बीमारियां और गंभीर त्वचा रोगों को केले के छिलके की मदद से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों को सालों से पेट संबंधी कोई ना कोई परेशानी चलती आ रही है, वो मात्र एक हफ्ते में ही केले के सही उपयोग से पूरी तरह ठीक की जा सकती है। और इतना ही नहीं, अगर केले खाने का सही तरीका पता हो तो दिल की बीमारियां, किडनी रोग और यहां तक कि डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियों में इसके इस्तेमाल से कमाल के फर्क नजर आने लगते हैं। पैरों में चुभा बारीक काटा या कंकड़ आदि भी केले के छिलके के जरिए बिना त्वचा को खोदे आसानी से निकाले जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितना साधारण ये फल लगता है, उससे कई ज्यादा चमत्कारी इसके फायदे हैं। केला जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो इससे हमारी बॉडी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, केले को खाने का सही समय और सही तरीका क्या है, और केले तथा उसके छिलकों के इस्तेमाल से क्या क्या लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं केले के छिलकों से। हालांकि केले के छिलकों का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन भारत के कई शहरों में केले को छिलके सहित खाया जाता है और कई लोग इसे उबालकर, फ्राई करके या सेक कर भी खाते हैं। केले के छिलकों में विटामिन B6 और B12 सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ये वही जरूरी विटामिन्स है जिनकी कमी के कारण हमारी बॉडी में थकावट और वीकनेस बनी रहती है, और खासकर बुढ़ापे में विटामिन B12 की कमी के चलते कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसके अलावा केले के छिलकों में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हफ्ते में कम से कम एक बार केले के छिलकों का सेवन उबाल कर या केले के साथ ही घी में फ्राई करके जरूर करना चाहिए। स्किन कॉर्न्स में लाभदायक। हमारे पूरे शरीर का भार हमारे पैरों पर होता है, इसलिए कई बार पैरों की एड़ियां सख्त और त्वचा में कॉर्न्स होने लगते हैं। ज्यादा समय जूते या सैंडल्स पहनने की वजह से पैरों की उंगलियों और तलवों की त्वचा कड़क होने लगती है और उनमें गठान बनना शुरू हो जाती है, जिनमें धीरे धीरे दर्द भी होने लगता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक केले के छिलके को सख्त हो चुकी जगह पर टेप से चिपका लें और फिर ऊपर से सॉक्स यानी कि मोजे पहनकर रात भर के लिए छोड़ दें। केले के छिलकों में पाया जाने वाला सैलिसिलिक एसिड अगले सुबह पैरों की सख्त हो चुकी त्वचा को पहले से कई गुना ज्यादा नर्म बना देता है, और इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराने से त्वचा पर आए कॉर्न्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। कील मुहासे और पिंपल्स। अगर आपके चेहरे पर बार बार पिंपल्स या कील मुहासे होते रहते हैं, तो ऐसे में केले के छिलके के इस्तेमाल से इन्हें पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। हफ्ते में 3 बार केले के छिलके को अपने चेहरे की त्वचा पर हल्के हाथों से रगड़ें। केले के छिलकों में मौजूद लूटीन नामक एंटीऑक्सीडेंट और इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज चेहरे के कील मुहासों को कम करती है और चेहरे पर नए पिंपल्स होने से भी रोकती है। झुर्रियों से छुटकारा। केले के छिलकों के अंदरूनी हिस्से में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आंखों और होठों के आसपास मौजूद रिंकल्स यानी कि झुर्रियों को हटाने के लिए रोजाना अपने चेहरे पर केले के छिलके के अंदरूनी हिस्से को 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से रगड़े और 15 मिनट इसे अपने चेहरे पर ही लगा रहने दे। धीरे धीरे चेहरे की त्वचा में कसाव आता जाएगा और स्किन की एजिंग प्रोसेस भी स्लो होने लगेगी। सोराइसिस में लाभदायक। केले के छिलके सोराइसिस जैसी गंभीर त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए भी बेहद कारगर होते हैं। सोराइसिस में त्वचा सूख कर पपड़ी की तरह निकलती रहती है। केले के छिलकों का पेस्ट बनाकर इसे नारियल के तेल के साथ मिक्स कर लें और सोराइसिस वाली त्वचा पर रोजाना लगा कर रखें। इससे त्वचा में मॉइस्चर बढ़ने लगेगा और पपड़ी बनने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चोट के निशान हटाए। कई बार त्वचा पर चोट या खरोच के निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। चोट या घाव जब ठीक हो रहा हो, उस दौरान अगर केले के छिलकों को निशान वाली जगह पर रोजाना रगड़ा जाए तो त्वचा पर चोट का निशान नहीं रहता और घाव पूरी तरह ठीक हो जाने पर त्वचा पहले जैसी ही हो जाती है। मस्सों के लिए लाभदायक। त्वचा पर अगर बार बार मस्से निकलते हो तो रोजाना उस मस्से वाली जगह पर केले के छिलके का एक टुकड़ा टेप या बैंडेड से चिपका कर रखें। धीरे धीरे मस्से का आकार कम होने लगेगा। दांतों का पीलापन। दांतों की सफाई ठीक तरह से नहीं करने पर धीरे धीरे दांतों में पीलापन जमने लगता है, जो कि आगे चल के दांतों में सड़न का कारण बन सकता है। रोजाना सुबह केले के छिलकों को दांतों पर रगड़ने से दांतों में आया पीलापन तेजी से कम होने लगता है और दांत पूरी तरह सफेद और चमकदार दिखाई देने लगते हैं। मच्छर के काटने पर। मच्छर के काटने पर त्वचा में तेज खुजली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से त्वचा पर बड़े बड़े चकते भी बन जाते हैं। मच्छर के काटने के बाद अगर उस जगह पर केले के छिलकों को रगड़ लिया जाए तो खुजली में तुरंत आराम मिलता है। गार्डनिंग।
केले के छिलके हमारे साथ साथ दूसरे पेड़ पौधों के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। गार्डन या घर के पौधों में डाले जाने वाले पानी में केले के छिलके को रात भर के लिए भिगो कर रखें। उसके बाद केले के छिलके के इस पानी को अपने घर के पेड़ पौधों में डालें। इससे पेड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधे मुरझाते भी नहीं। केले के छिलकों के बाद अब बात करते हैं केले खाने से जुड़े कुछ अद्भुत फायदों के बारे में। दिल और ब्लड प्रेशर। केला हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि केले में पोटेशियम और फाइबर अधिक और सोडियम कम मात्रा में मौजूद होता है, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। केले में मौजूद न्यूट्रिएंट हमारी आर्टरीज में जमने वाले बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी मदद करते हैं, जिससे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता है और हम हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से हमेशा के लिए दूर रहते हैं। डाइजेशन के लिए केला एकमात्र ऐसा फल है जो दस्त यानी कि लूज मोशन और कब्ज दोनों में ही उपयोगी होता है। पेट खराब या फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त आदि जैसी प्रॉब्लम होने पर केले खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है, पेट दर्द में आराम मिलता है और बाउल मूवमेंट स्मूथ हो जाता है। एनीमिया या खून की कमी। शरीर में आयरन और खून की कमी होने पर केले का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। खासकर महिलाओं में एक उम्र के बाद एनीमिया और वीकनेस जैसी समस्या शुरू हो जाती है, जिससे शरीर कमजोर पड़ने लगता है। रोजाना केले के सेवन करने से खून की कमी भी दूर होती है और चक्कर, थकान आना और सर दर्द जैसी प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाती है। सेक्सुअल वीकनेस। केले के अंदर ब्रोमेलिन नामक एंजाइम होता है, जो कि हमारी बॉडी के सेक्सुअल हार्मोन्स को बूस्ट करता है। जो लोग गुप्त रोग या किसी तरह की सेक्सुअल कमजोरी से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने रेगुलर डाइट में केले को जरूर शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे केले और केलों के छिलकों से जुड़े कुछ अद्भुत फायदे। अगर आपको इसी तरह किसी और फल, सप्लीमेंट या डाइट से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेल्थ और फिटनेस से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए हेल्थ क्रेज को आज ही सब्सक्राइब करें।